हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर रीडिंग इन कंप्यूटर विजन क्लास फिफ्थ लेसन फोर स्टार्टिंग एमएस वर्ड। आज हम इस लेसन में एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है और सबसे पहले उसके स्टेप्स के वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका एक पैकेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है, जिसमें हमारे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, एमएस एक्सेस आते हैं। इसका एक पैकेज होता है जिसमें से एक है हमारा एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो है हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक कॉम्पोनेंट है जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। इसमें हमारा जितना भी वर्क है, इसमें हमारा ये वर्ड में सब जगह यूज होता है। इसमें हमारा सारा टाइपिंग वगैरह का वर्क भी होता है। इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स हो, क्वेश्चन पेपर्स हो, और जितने भी हमारा वर्क है सारा इसके अंदर पेपर से रिलेटेड इसमें किया जाता है। और जो एमएस ऑफिस पैकेज के कंटेंट्स में हमारे और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूड है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो वर्क है बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन क्या क्या करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या वर्क किया जा सकता है? राइट लेटर, रिपोर्ट्स, नोटिस, न्यूज लेटर, बुक्स और बिल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें टाइप किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। मेक चेंज इन द टेक्स्ट वाइल टाइपिंग, आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट, इसके अंदर हम जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, हमें अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना उसे हमें अट्रैक्टिव बनाना है उस हिसाब से हम उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में इफेक्ट डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फिर स्पेशल इफेक्ट्स जो होते हैं उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके अलावा हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर, और डिफरेंट स्टाइल टेक्स्ट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, और कॉपी और मूव भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अनदर कंप्यूटर में, और इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और उनका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम स्टार्टिंग एमएस वर्ड के एमएस वर्ड को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, ये इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं। टू स्टार्ट एमएस वर्ड 2007 फॉलो दीज स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है ग्रीन कलर के, उसके अंदर व्हाइट कलर का लिखा है स्टार्ट। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप, ऑफ द डेस्कटॉप। सेकंड, फिर क्लिक प्रोग्राम्स ऑप्शंस। जब प्रोग्राम्स ऑप्शंस आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको ऐसी लिस्ट शो होगी जिसके अंदर लिखा होगा प्रोग्राम्स, वहां पे आप क्लिक कर देंगे। फिर थर्ड में क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, फिर वहां पे जब क्लिक करेंगे तो एक और लिस्ट आपको ओपन होगी जिसमें आप लिखो सारे वो होंगे, और उसमें आपको क्या करना है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और लिस्ट ओपन होगी जिसमें सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज मिल जाएंगे जिसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा एमएस वर्ड, तो इस तरीके से आपकी डिस्प्ले हो जाएगी एमएस वर्ड ओपन। सबसे पहले आपको न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि ये हमारी इस तरीके से, जब आपका एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते ही इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो आइए इसके नाम जानते हैं कि ये जो हमारे साइट में इसके नाम दे रखे हैं, इसके कंपोनेंट दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके बराबर में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सेव, रीनेम, डिलीट, सारे जो सेव हुए हुए डॉक्यूमेंट्स भी होंगे वो भी यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। फिर आपका कमांड रिबन, इसके बाद है आपका रूलर्स, फिर है आपका वर्क स्पेस, आपका स्टेटस बार। ठीक है, वर्क स्पेस का तो आपको पता ही है, जैसे जैसे हम वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे ये हमारी जो लाइन है ये स्पेस देता जाएगा, यानी आगे स्पेस होता जाएगा। स्टेटस बार पे आपकी सारी एप्लीकेशन शो होती हैं, और आपके राइट कॉर्नर पे इधर यहाँ पे आपको टाइम और डेट भी शो होता है। इसके बाद है आपका इधर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये है जिससे हम अपने मार्जिन देखते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार है ऊपर नीचे करने के लिए, ये इधर उधर से करने के लिए, और रूलर जो है इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स का मार्जिन देखते हैं कि हमें कितना रखना है। विंडो कंट्रोल बटन, यहाँ विंडो कंट्रोल बटन के तीन बटन दे रखे हैं, माइनस एक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस। हमें जिस तरीके, अगर हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस जो भी करना चाहेंगे जिसकी हमारी ओपन है, और हम इसे शॉर्ट करना चाहेंगे कि छोटी सी हमारी हो जाए तो हम मिनिमाइज कर देंगे, मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल हो जाएगी, क्रॉस करेंगे तो वो आपकी हटके स्क्रीन से स्टेटस बार पर शो होने लगेगी। फिर आपका टाइटल बार, टाइटल बार आपको पता ही कि जहाँ पर हम जिस भी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं उसका नाम हमारा टाइटल बार पर शो हो जाता है। अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है तो टाइटल बार पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो होगा, पावर पॉइंट खोल रखा है तो पावर पॉइंट शो होगा, एक्सेल खोल रखा है तो एक्सेल शो होगा। ठीक है, समझ में आ गया इसके, जितने भी हमारी जो हमारी स्क्रीन खुली इसके डेस्कटॉप है। आइए नीचे देखते हैं,
अब ये जो हमने अभी ऊपर इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ये वाला हमारा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये बटन हमारे विंडो के टॉप पर लेफ्ट कॉर्नर पे लोकेटेड है, ये देखिए लेफ्ट कॉर्नर पर लोकेटेड है टॉप पर। इस बटन पर क्लिक करके हम एक न्यू फाइल बना सकते हैं, सेव फाइल ओपन कर सकते हैं, एक फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार ये रहा, क्विक एक्सेस टूल बार ये हमें उन कमांड्स तक पहुंचाने के लिए वे प्रोवाइड करता है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा टाइटल बार, वो मैंने अभी आपको बताया टाइटल बार पे, टाइटल बार पे हमारा जितना भी हमारी एप्लीकेशन पे जिस पे भी हम वर्क कर रहे होते हैं उसका नाम हमारा टाइटल बार पर शो होता है। द कमांड रिबन, कमांड रिबन का है हमारा, कमांड रिबन में हमारा वेरियस कमांड्स देने का ऑप्शंस होता है, रिबन के टॉप पर सेवरल टैब होता है, ठीक है। फिर हमारा रूलर, रूलर जो है हमारा, रूलर का यूज फॉर्मेट या आपके डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से चेंज करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार हमारा ये देख ही रहे हैं आप, ये हमारा है स्क्रॉल बार। हमारा स्क्रॉल बार टू टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी कि हॉरिजॉन्टल जो होता है ये वाला होता है जिसमें हम अपनी जो हमारी ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो रही है हम इसे मूव कर सकते हैं इधर या इधर। वर्टिकल और दूसरा जो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे हम ऊपर नीचे इसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टेटस बार, स्टेटस बार का मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी पेजेस हमने ओपन कर रखे थे वो सारे हमारे स्टेटस बार पर शो होते हैं। तो अब तक यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने एमएस वर्ड को ओपन करा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कौन से स्टेप थे, और उसके बाद हमारे जो स्क्रीन अपीयर हुई है उसके उसके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से थे और किसका क्या क्या वर्क था। अभी हमारा प्रीवियस क्लासेस वी लर्न टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, फर्स्ट हमारा क्रिएटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट। क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, फॉन्ट टाइप इसको चेंज करते हैं, इसके साइज और कलर्स वगैरह उसमें डाल सकते हैं, अप्लाई करते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट केस चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग अलाइनमेंट अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं, हाइलाइट्स कर सकते हैं, कॉपी या कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, डिलीटिंग द टेक्स्ट टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, नंबरिंग द टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट पर या एप्लीकेशन पर जो भी हमने टाइप करी उस पर नंबरिंग डाल सकते हैं। अब देखते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अपने जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है उस पैराग्राफ को फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग उसकी। हमारे डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादातर अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए स्टेप वाइज हमें प्रोसीजर्स है। ये हमारा एग्जांपल, हम पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हैं, हम पैराग्राफ के बीच की जगह सेट कर सकते हैं। जब हम किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेट करते हैं तो हमें एंटर पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। पैराग्राफ में कहीं भी हमें इस फॉर्मेट करने के में कैपेबल है। जब हम किसी पैराग्राफ को एंटर करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो ये उसी फॉर्मेट में एक न्यू पैराग्राफ बना देता है। जैसे कि एग्जांपल है बाय, हम अप्लाई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट साइज जो है उसे सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज अलाइन कर सकते हैं पैराग्राफ में, ये सारे हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ लिखा कंप्यूटर में। अब ये हम जब टाइप करते हैं लिखना तो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें लाइन्स हमारी आगे पीछे होती रहती हैं, तो हम अलाइन करने से, अलाइनमेंट जो होता है उसे करने से हम अलाइनमेंट लेफ्ट राइट और सेंटर तीन तरीके अलाइनमेंट होता है। अगर हम लेफ्ट कर देंगे तो हमारा सारा लेफ्ट में इधर आ जाएगा, इधर की स्पेस खाली जाएगी। अगर हम राइट कर देंगे सारा हमारा इधर से हो जाएगा और इधर की खाली जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं ज़्यादातर, हम अलाइनमेंट सेंटर करते हैं जिससे हमारा साइड का जो मार्जिन है वो बिल्कुल बराबर का छूटता है। फिर यानी कि जितना भी हम जो भी टाइपिंग करेंगे, जितना भी हम पैराग्राफ कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा सेंटर में आएगा, ठीक है। और वो एक अलग ही अट्रैक्टिव होता है। फिर उसके अलावा हमें कुछ भी इसमें चेंजिंग करेंगे, जैसे कि हमें ये फर्स्ट लाइन है, हमने जो हेडिंग डाली इसे हमें बड़ा लिखना है ताकि दिखेगी ये हेडिंग, उसके बाद का हमें छोटा करना है, तो हम फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं कि हमें साइज देख सकते हैं उसमें कि हमें कौन सा साइज हेडिंग के लिए लेना है, कौन सा साइज हमें नीचे एक्सप्लेन जो करेगी हेडिंग उसके लिए लेना है। फॉन्ट साइज को हम डार्क यानी कि बोल्ड डार्क कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और उसे हम इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट ले सकते हैं हम उसके अंदर, या कलरफुल फॉन्ट भी ले सकते हैं, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ी, हमारे जो एमएस वर्ड को ओपन किया है वो पढ़ा, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं और उसके कॉम्पोनेंट जो है उनको एक्सप्लेनिंग किया है, ठीक है। अभी हमारा टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट,
तो हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से ओपन करते हैं, आइए फॉलो स्टेप्स फॉलो करते हैं इसके। जब हम किसी भी न्यू वर्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं पर काम करते हैं हम उस पर, तो हमें एक नए न्यू डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसे ओपन करने की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें मेन्यू अपीयर हो जाएगा। हमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन, इस तरीके से न्यू ऑप्शन होगा आपका, वहाँ पे और भी ऑप्शन होंगे लेकिन हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको दो तरीके से दे रखे हैं कि कौन सा आपको लेना है, शीट लेनी है आपको, तो आपको क्या करना है, फिर क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन, यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन एक आएगा इस तरीके से, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपका पूरे आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्पेस देने का बताया उन्होंने किस तरीके से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट बनाते समय हमें ये पता लगाना के लिए स्पेस का यूज किया जाता है कि किसी पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना है। आप स्पेस के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। आइए स्टेप्स फॉलो करते हैं कि हम किस तरीके से स्पेस देते हैं। सबसे पहले अपने कर्सर को सैंपल टेक्स्ट के सेकंड पैराग्राफ में कहीं भी रख दें आप। फिर इसके बाद आप पेज लेआउट टैब कर्सर करें, पेज लेआउट टैब चूज करें, डिफॉल्ट स्पेस फील्ड अपीयर होगी आपको। पैराग्राफ से पहले स्पेस इंक्रीज करने के लिए एरो क्लिक करेंगे आप। ठीक है, फिर आप पैराग्राफ के बाद स्पेस के आगे वाले एरो पर क्लिक करेंगे और फिर आप होम टैब चूज करेंगे, एक स्टाइल ग्रुप में स्टाइल चेंज पर क्लिक करेंगे। पैराग्राफ से पहले स्पेस को बढ़ाने के लिए आप टॉप पर एरो होगा वहां पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप टू चेंज, फिर आप क्या करेंगे, जैसे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि आपने यहाँ तक एक लिखा, ठीक है, इतनी लाइन लिख दी, फिर आपको डायरेक्ट नीचे आना, आपको इसके बाद से शुरू नहीं करना, आपको नीचे आना है डायरेक्ट। तो क्या करेंगे आप, मैंने जो भी स्टेप बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट नीचे वाली लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ से शुरू कर देंगे। और इसका जो मैंने अभी आपको स्टेप बताया उससे ये होगा कि जब आप लिखते जाएंगे खुद ब खुद आपको स्पेस छोड़ छोड़ के आप अपना पैराग्राफ इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा टू चेंज लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग किस तरीके से हम देते हैं, तो लाइन स्पेसिंग में पैराग्राफ के अंदर आप लाइंस के बीच स्पेस को सेट करता है, जैसे कि उस लाइन के सबसे बड़े फॉन्ट को एडजस्ट करने के लिए लाइन सेट की जाती है। इफ लाइंस के में छोटे छोटे फॉन्ट शामिल हैं तो आपका लाइंस के बीच एंटर स्पेस है। देखिए आइए इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं कि लाइन स्पेस किस तरीके से दी जाती है। प्लेस योर कर्सर एनीवेयर इन द टेक्स्ट, यानी कि कर्सर को टेक्स्ट में आप कहीं भी रखें, फिर आप रिबन पर होम टैब चूज करें, रिबन पर पैराग्राफ ग्रुप्स में लाइन स्पेस बटन पर क्लिक करें, लाइन स्पेस के लिए किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करें जो मेन्यू शो होगा, जहां पर आपको मेन्यू शो होगा। ठीक है, तो किस तरीके से ऐसे आपको मेन्यू शो होगा, फिर यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग देख सकते हैं कि आपको कितनी लेनी है लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर आपको सारे देखिए टाइम दे रखा है, तो हम क्या लेते हैं 0.5। ठीक है, फिलहाल इसमें दे रखा है 2.0, तो आप 2.0 लाइन स्पेसिंग लेंगे तो ये जो आपका है ना, देखिए यहाँ पे ना आपको देखो किस तरीके कितनी लाइन दे रखी है इन्होंने, काफी स्पेस दे रखा है ना, तो लाइन स्पेसिंग इस तरीके से जितनी आप देंगे यहाँ पे उतना ही यहाँ पे स्पेस बढ़ता चला जाएगा। तो 2.0 के हिसाब से आपका इतना स्पेस है जो कि हमारे पैराग्राफ के हिसाब से काफी सुटेबल लग रहा है। ठीक है, अब हमारा टू क्रिएट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट, इंडेंट को की मीनिंग है अदर लाइन के कंपैरिजन में टेक्स्ट के कॉर्नर से दूर पैराग्राफ टेक्स्ट की एक लाइन स्टार्ट करना। आप एक हैंगिंग इंडेंट भी बना सकते हैं जिसमें पैराग्राफ की पहली लाइन इंडेंट नहीं है, बट बाद की लाइंस में फर्स्ट लाइन इंडेंट बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो स्टेप्स हैं हमारे ये, पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर कहीं भी अपना कर्सर रखेंगे आप, होम टैब चूज करेंगे, फिर पैराग्राफ ग्रुप्स में लॉन्चर बटन पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ में डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा, फिर इंडेंट और स्पेसिंग टैब चूज करें, स्पेशल फील्ड पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन के लिए क्लिक करें, फील्ड में 0.5 एंटर करें, क्लिक ओके कर दें। ठीक है, तो आपका
आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अब हाफ इंच से इंडेंट होती है। देखिए जो मैंने अभी स्टेप्स बताया है, जब आपको इस तरीके से डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा तो आप वहां पर 0.5 एंटर जब करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइन इंडेंट का हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से आपका हो गया है। तो आप इन स्टेप्स की हेल्प से आप लाइन इंडेंट कर सकते हैं पैराग्राफ में। टू रिमूव द फर्स्ट लाइन इंडेंट, अगर हमें फर्स्ट लाइन इंडेंट को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट हमारा सबसे पहले पैराग्राफ में कहीं भी अपना कर्सर रखेंगे आप, उसके बाद होम टैब चूज क्लिक करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में लॉन्चर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहां पर डायलॉग बॉक्स ओपन पर क्लिक कर देंगे आप, फिर इंडेंट और स्पेसिंग टैब चूज करें, स्पेशल फील्ड के आगे डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर नन पर क्लिक कर दें, तो क्लिक ओके कर दें तो आपका नन करते ही फर्स्ट लाइन आपकी इंडेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा टू चूज अ स्टाइल सेट। स्टाइल सेट किस तरीके से चूज किया जाता है, एमएस वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल का यूज कर सकते हैं। एक स्टाइल फॉर्मेट का एक सेट होता है और पैराग्राफ फॉर्मेट जैसी थिंग्स इंक्लूड है। एमएस वर्ड 2007 में पैराग्राफ डिजाइन किए गए स्टाइल सेट्स का यूज करने के लिए अलाउड है, जिसमें टाइटल, सब टाइटल्स और लिस्ट, हेडिंग्स, स्टाइल्स इंक्लूड है इसके अंदर। आइए इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट हमारा होम टैब चूज करें, एक स्टाइल ग्रुप में स्टाइल चेंज पर क्लिक करें, स्टाइल सेट्स पर क्लिक करें, एक मेन्यू अपीयर होगा आपको, फिर इस तरीके से एक मेन्यू अपीयर होगा आपको। उसके बाद आप लिस्टेड स्टाइल्स में से किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको जो भी यहाँ पर स्टाइल चाहिए आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका टू एडिट बुलेट्स एंड नंबर्स, हम किस तरीके से नंबर्स और बुलेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। एमएस वर्ड में काम करते समय हम आइटम्स को बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं। फॉलो दी स्टेप्स बुलेट एडिट ऐड करने के लिए। टाइप द फॉलो लिस्ट, लोयन, टाइगर, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड टू जस्ट टाइप, अपने थ्रू टाइप किए गए वर्ड को सिलेक्ट करें, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद चूज द होम टैब, आप होम टैब पर को चूज करें, पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट बटन, पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट बटन के पास डाउन एरो पर क्लिक करें, बुलेट लाइब्रेरी पर क्लिक कर दें। फिर जब बुलेट लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक अपीयर होगा, ठीक है, जिसमें आपको सारे बुलेट्स मिल जाएंगे जो भी आपको लेना है। अपनी लिस्ट में ऐड किए जाने वाले बुलेट्स को टाइप को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करें, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जिसे भी ऐड करना है आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी चूज आप जिसे भी चूज करेंगे, फिर बुलेट आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका रिमूव बुलेट, अगर आपने बुलेट को ही ऐड कर दी इसके अंदर और फिर उसके बाद आपको उसे रिमूव करना है, तो आप उसके लिए भी हमारे ये देख दे रखे हैं कि सिलेक्ट लिस्ट अगेन, सबसे पहले आप लिस्ट अपनी सिलेक्ट करेंगे, फिर चूज होम टैब, फिर उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जो क्लिक डाउन एरो है, सीन नेक्स्ट टू बुलेट आइकन, जो हमारा नेक्स्ट बुलेट आइकन शो होगा, द बुलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसमें क्लिक नन होगा लिखा हुआ, वहाँ क्लिक नन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी लिस्ट से बुलेट रिमूव हो जाएगा। टू एडिट नंबरिंग, अगर आपको नंबरिंग ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में, होता है हम कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी बनाते हैं जिसमें हमें बुलेट्स नहीं तो नंबरिंग ऐड करनी होती है, या फिर ABCD हमें ऐड करनी होती है, नंबर से ऐड करनी होती है, अल्फाबेट कुछ भी, तो उसके लिए भी हमारे स्टेप दे रखे हैं, आप उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर लेंगे, पहले टाइप कर लेंगे जैसे कि आपने ये टाइप कर रखा है। ठीक है, अब आपको इसमें नंबरिंग देनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद चूज दी होम टैब, होम टैब चूज करेंगे, फिर पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक डाउन एरो पर सीन नेक्स्ट द नंबरिंग बटन, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से लाइब्रेरी यहाँ पे नंबरिंग की ओपन हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3 भी है, ABC भी है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, आपको जो भी लेना है सिलेक्ट करके नंबरिंग पे आप चूज करेंगे और वहाँ पे क्लिक करते ही वो आपके डॉक्यूमेंट पर एड हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, आगे समझ में हुए किस तरीके से हम बुलेट डाल सकते हैं और किस तरीके से हम नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग का तो ज्यादातर बुलेट या नंबरिंग का हमारा ज्यादातर यूज हो ही होता ही है हमारा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते टाइम। फिर आपको टू रिमूव दी नंबरिंग, अगर आपको नंबरिंग को रिमूव करना है, अगर आपको नंबरिंग को रिमूव करा है जैसे अभी हमने बुलेट को, तो उसके भी हमारा स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी है, फिर होम टैब चूज करना है, फिर पैराग्राफ ग्रुप में डाउन एरो पर क्लिक करना है और हमारा नेक्स्ट नंबरिंग आइकन शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नंबर डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपीयर हो जाएगा इस तरीके से, जैसे हमने ऐड करने के टाइम पे हुआ था इस तरीके से अब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक नन, ये रहा क्लिक नन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट से नंबरिंग रिमूव हो जाएगी और फिर पहले की तरह से सिंपल डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। तो जैसे कि अब तक आपने हमारा देखा कि हमने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने का पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। हमारे जो स्क्रीन ओपन होती है, अपीयर होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, अभी मैंने उसके बारे में भी आपको बताया कौन कौन से कंपोनेंट्स और किसका क्या वर्क है, क्योंकि स्क्रीन पर जब ये चीज़ें शो होती हैं तो हम खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये कौन कौन सी है। तो इसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब हमारी स्क्रीन इस तरीके से अपीयर होती है एमएस वर्ड क्लिक करते ही, तो हमारे जो साइट में कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं वो कौन कौन से और किसका क्या वर्क है, तभी हम अपने एमएस वर्ड पे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि किसका वर्क क्या है, कौन सा कंपोनेंट इसका क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम पैराग्राफ को अपने अट्रैक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें नंबरिंग ऐड कर सकते हैं और हम अपने फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा ये इस बारे में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, इसे अच्छे से आप एक बार फिर समझिएगा और एक बार इसे ट्राई करके भी देखिएगा किस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को टाइप करते हैं, कैसे लाइन स्पेस देते हैं, कैसे बुलेट डालते हैं, किस तरीके से नंबरिंग डालते हैं और कैसे हम इसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं और इम्प्रेसिव बनाते हैं। ठीक है, अभी तक का इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक डिस्कस कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका आगे का लेसन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपका इतना ही है, आप इसे अच्छे से समझिए और इसे करके देखिए किस तरीके से हम अपने एमएस वर्ड पर काम कर सकते हैं।